This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 5, which is chemical bonding. Question number 1. डिफाइन केमिकल बॉन्ड, डिस्कस हाउ एटम्स यूनाइट एंड चेंज इनटू मॉलिक्यूल्स. इसमें हमें बताना है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और किस तरीके से आपस में दो एटम्स मिलते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है. आंसर, एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. दे इंट्रैक्ट टू डू सो एंड क्रिएट अ केमिकल बॉन्ड. एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और उसके बाद एक मॉलिक्यूल बन जाता है, और जो इनके बीच में एक पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उस अट्रैक्शन को, उस इंट्रैक्शन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. अ केमिकल बॉन्ड इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट लिंक्स टू आइटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल. केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है बेसिकली, जो दो आइटम्स को आपस में कंबाइन करती है एक मॉलिक्यूल में. देयर आर मैनी काइंड ऑफ बॉन्ड सच एज द कोवलेंट बॉन्ड. बहुत सारी तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कोवलेंट बॉन्ड की. द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्रिएटेड फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कि क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग से. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एटम में. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ नाइट्रोजन एटम पजेस, और कितने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम पजेस करता है. आंसर, अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन दैट इज एसोसिएटेड विद एन एटम. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, एटम के जो आउटर शेल होता है वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और वो बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा होता है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड में, और वो जुड़ा हुआ होता है एटम से, मतलब एक एटम दूसरे से जुड़ा हुआ होता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपस में केमिकल बॉन्ड बनता है. इफ द आउटर शेल इज नॉट क्लोज्ड इन अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बोथ एटम्स इन अ बॉन्ड कंट्रीब्यूट वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ शेयर्ड पेयर. अगर कहीं पर ऐसा हो कि बॉन्ड नहीं बन रहा हो या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही हो, तो ऐसा भी होता है कि एक एटम में से दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो बनाते हैं शेयर्ड पेयर. नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स n इज इक्वल टू आउटर शेल. नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर शेल में. देयर इज़ अ क्विक वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर एक बहुत इजी मेथड है और क्विक मेथड है आइडेंटिफाई करने का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को. इट इज़ द सेम एज द ग्रुप नंबर. बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं जो आपके पास ग्रुप नंबर होता है. नॉट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. बस डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हटाकर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाइट्रोजन इज इन ग्रुप 5. नाइट्रोजन ग्रुप 5 में है, सो इट हैज़ 5 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. के पास 5 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन. क्या होता है अगर बस में दो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएं या दो एटम्स कंबाइन हो जाएं, तो इलेक्ट्रॉन्स में बेसिकली क्या चेंजिंग आती है. आंसर, व्हेन एटम्स कंबाइन दे गेन, लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन सच अ वे दैट द आउटर शेल्स बिकम केमिकली कम्प्लीट. जब भी आपस में दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो या तो वो गेन कर रहे होते हैं, मतलब ले रहे होते हैं, या फिर वो लॉस कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से काम कर रहे होते हैं. और बेसिकली ये प्रोसेस क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि उनका जो शेल है आउटर शेल वो केमिकली तौर पर कंप्लीट हो जाए. यही रीज़न होता है कि एलिमेंट्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. जब भी कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पर ये तीन प्रोसेस ही परफॉर्म हो रहे होते हैं.
Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, matric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. Which part of the atom is involved in the formation of chemical bond? कौन सा पार्ट होता है एटम का जो इन्वॉल्व होता है केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन में? आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, इन पर्टिकुलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम में प्रेजेंट हैं आउटर शेल में, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम्बाइन होते हैं, वो पार्ट होता है जो कम्बाइन होता है बनाने के लिए केमिकल बॉन्ड। द रीज़न इज़ दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर द मोस्ट मूवेबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। और इसका रीज़न ये है कि एटम में मूवेबल पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स में, और यही रीज़न है कि वो आपस में कंबाइन होते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज़ द टू एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और वही मूवेबल पार्ट अगर कंबाइन हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास कोई भी बॉन्ड बन जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपस में दो एटम्स जब कंबाइन होते हैं, जब उनकी डेंसिटी सेम होती है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ एलिमेंट्स आर यूनाइटेड बाय इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर हमें एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। आंसर, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एटम्स ऑफ वन एलिमेंट टू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, producing positive and negative ions. Electrovalent bond जब बनते हैं जब दो electrons आपस में transfer होते हैं, मतलब एक electron एक atom से और दूसरा electron दूसरे atom से, मतलब different elements में, और जिसकी वजह से जिसके result में positive और negative ions बनना शुरू हो जाते हैं। The bond which is formed by the transfer of electrons between the atoms is called electrovalent bond or ionic bond. और इस तरह का bond जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने एटम्स के दरमियान, वो कहलाता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ आइंस हो रहा होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बन रहे होते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर ओनली फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस तरह के बॉन्ड्स बनते हैं सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। और कभी भी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स दो नॉन मेटल्स के दरमियान नहीं बनते, हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ही इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर, यहाँ पर कुछ सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की, जैसे कि NaCl, KCl, MgCl2 एंड CaCl। What common properties are shown by ionic compounds? कौन सी ऐसी common properties होती हैं जो ionic compounds में होती हैं? Answer: There are many properties. Here is a short list of main properties. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी properties हैं, लेकिन यहाँ पर हमने short list करके जो इसकी सबसे ज़्यादा important और main properties हैं उन्हें discuss किया है। Number one, they form crystals. ये crystals बनाती हैं। They have higher enthalpies of fusion and vaporization than molecular compounds. इनके पास बहुत ज़्यादा high power होती है fusion की, मतलब कोई भी दो elements जब combine होते हैं तो उसे हम कहते हैं fusion, तो इनके पास बहुत ज़्यादा high power होती है fusion की और vaporization की, कि vapors की form में convert हो जाते हैं ये bonds easily, तो इनके पास बहुत ज़्यादा higher enthalpies होती हैं। They are hard, ये थोड़े hard होते हैं। They are brittle, brittle means चमकदार shiny surface. They have high melting points and also high boiling points. इनके पास high melting points होते हैं और high boiling points होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा temperature पर ये boil होते हैं, और इनके पास melting point भी उतना ही ज़्यादा होता है। They conduct electricity but only when they are dissolved in water. ये conduct करते हैं electricity, सिंपल फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते तो इस तरह के बॉन्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड? राइट इलेक्ट्रॉनिक फार्मूलाज ऑफ एनी टू कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? और यहाँ पर हमें दो फार्मूलाज दिखने हैं दो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के।
और सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मतलब कि ये तीनों टाइप्स हैं तो हमें थोड़ा सा इन्हें डिस्कस करना है. अ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स. कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है जब इक्वल शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की, जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें इक्वल शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की. द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर. और वो पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्टिसिपेट करता है इस तरह की बॉन्डिंग में वो कहलाता है शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर. द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज मॉलिकुलर बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड को हम मॉलिकुलर बॉन्ड्स भी कहते हैं. शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग पेयर विल इंश्योर दैट द एटम्स अचीव स्टेबिलिटी इन देयर आउटर शेल. और जब भी शेयरिंग होती है बॉन्ड्स की तो इसका मतलब ये होता है कि एटम्स ने हासिल कर ली अपनी स्टेबिलिटी, मतलब उनका जो आउटर शेल है वो बिल्कुल स्टेबल है. अब द कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर मोर डिटेल्स ऑन रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेस ऑफ दिस बुक, प्लीज सेंड अस अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर. ये व्हाट्सएप नंबर जो यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे. इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @alpineacademy@gmail.com. सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन डैश. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो दो एटम्स के दरमियान, और ये रिप्रेजेंट होता है सिंगल डैश से. डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, अ डबल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू डैशेस. डबल बॉन्ड जब बनता है जब दो पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड हो रहे हों पार्टिसिपेटिंग एटम्स के दरमियान, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू डैशेस, और ये रिप्रेजेंट होते हैं दो डैशेस से. ट्रिपल बॉन्ड, अ ट्रिपल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द टू पार्टिसिपेटिंग एटम्स. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री डैशेस. ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है जब तीन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर हो रहे होते हैं दो एटमियान, और ये रिप्रेजेंट होता है ट्रिपल डैशेस से. तो ये थी हमारे पास तीन कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स. जस्ट डिफरेंस है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, सिंगल में एक और डबल में दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स के, और ट्रिपल बॉन्ड में तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के दरमियान. क्लासीफाई द फॉलोइंग बॉन्ड्स एज आयनिक और कोवेलेंट. क्लासीफाई करना है कि कौन सा बॉन्ड आयनिक है और कौन सा कोवेलेंट. फॉर दोज बॉन्ड्स दैट आर कोवेलेंट इंडिकेट वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर. और साथ साथ हमें ये भी बताना है कि कौन सा बॉन्ड पोलर है और कौन सा नॉन पोलर. तो सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कोवेलेंट और आयोनिक क्या है. कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है जब आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो आपस में इलेक्ट्रॉन्स की, दो एटम्स हैं दोनों एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से काम ले रहे हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. ऐसी बॉन्ड फॉर्मेशन जो म्यूचुअल शेयरिंग से हो रही है वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड. और आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाना, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होना. एक एटम से कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो रहा है, या तो लॉस होगा या गेन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो आपके पास आयनिक बॉन्ड बनता है. अब ये बात हो गई आयनिक और कोवेलेंट की. अब बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर. बेसिकली पोलर आपके पास वो चीज़ होती है जिसके पास थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, वंडर वॉल फोर्सेस होती हैं, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं. इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है. वेल
नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो नॉन पोलर के पास वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और साथ साथ इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। आंसर H2 हैज कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास कोवलेंट बॉन्ड है और ये नॉन पोलर है। H बॉन्डेड विद Cl हैज कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर। ये कोवलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है और ये पोलर है। NaCl हैज आयनिक बॉन्ड एंड पोलर। NaCl आयनिक है और ये पोलर है। CaCO3 हैज कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर। HC ट्रिपल बॉन्ड CH ये आपके पास कोवलेंट है और ये नॉन पोलर है। ऑक्सीजन एटम की बात करें O डबल बॉन्ड O हैज कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर। कोवलेंट बॉन्ड है और ये नॉन पोलर है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बुक और दिस चैप्टर सो काइंडली कॉन्टैक्ट अस थ्रू ईमेल एंड एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।